non habitable cause in the firm that. Glory to أرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء والعن دائم على أعلاهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد اللهم اعجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه واتباعه وشيعته المستشهدين بجنته اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कि कल की मजलिस का टाइम एग्जैक्टली क्या होगा। वो अफराद के जो सर वक्त पहुँचे हुए हैं ज़ाहिर उनके लिए काफ़ी जहमत का सबब बना होगा, मुनासिब नहीं है इस तरीके से। हर इंसान का वक्त कीमती है, लिहाजा जो है वो मुंतज़मीन से भी मेरी गुजारिश है कि परफेक्ट वक्त का ऐलान करें, चाहे कोई आए या ना आए हम उनकी मजलिस को आगाज़ कर दें। जो वक्त पर पहुँच रहे हैं वो इसका खमियाजा ना भुगते, लिहाजा ये मुनासिब नहीं है। जो भी इतना वक्त गुजरा ज़ाहिर है इनके लिए भी, मुंतज़मीन के लिए भी, चूँकि एक और मजलिस इससे पहले होती है वो इसे अफेक्ट करती है, तो वो जो भी मालूमात करके प्रॉपर ऐलान हो जाए ताकि मोमिनीन जो जब आना चाहे मर्सी के वक्त में आना चाहे मजलिस के वक्त में आना चाहे जो भी उनका वक्त जो उनके लिए सूटेबल हो। और दूसरा ये कि मैंने चंद आयात को आपकी खिदमत में सरनामा कलाम के तौर पर पेश किया जो सिर्फ आज के दिन के लिए है। वो दो आयात जो मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की वो इस मुनासिबत से कि जो पाकिस्तान के वो मकामात जहाँ पर सैलाब की जगह सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग और बिलखसूस बहुत सारे मोमिनीन, न कि फ़कत हम ये कहें कि वो मुतासिर हुए हैं, नहीं, बल्कि जो कुछ उनके पास था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और सोशल मीडिया, ज़ाहिर है मैं भी गया नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया मौसिकीन काबिल भरोसा अफराद जो वहाँ पर गए जिन्होंने ख़ुद मुशाहिदा किया, बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म जो सिंध के इंटीरियर सिंध के थे हमसे कॉन्टेक्ट में या इनडायरेक्टली, तो जो सूरत हाल है वो बहुत ही वखीम है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये तो आयत कि जिसको मैंने सरनामा कलाम करार दिया, हम सब की शरई ज़िम्मेदारी है। और बहरहाल तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा हुए मुझे कराची आए हुए, मैंने वो चीज़ एहसास नहीं की जो एक दर्द होना चाहिए था। माज़ूर चाहता हूँ जिनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं उनको कोई सुनाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है अखबार या ख़बरें या रिपोर्ट उन तक नहीं पहुँची। मैं कोई वलीउल्लाह नहीं हूँ कि मेरा दिल वहाँ पर किसी मोमिन का दर्द हो तो मेरे दिल में दर्द हो, नहीं, चूँकि हमारा तालिबे इल्मों से राबता था। वो तालिबे इल्म के जो
डायरेक्ट खुद मुतासिर हुए, उनके शहर, उनके गांव, उनके देहात मुतासिर हुए। मैंने कहा कि लफ्ज़ मुतासिर ना काफ़ी है ये समझाने के लिए। मुतासिर का मतलब ये होता है कि भाई थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, नहीं, उनके पास जो कुछ था सब कुछ कुर्बान हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, यानी वो रोड पर आ गए। बल्कि जो बात शरी लोगों ने, शरी सवाल की बात लोगों ने कहे पूछे, यानी एक होता है रोड पर आ जाना, नहीं, बात होगा तो ऐसा लगता है कि सवाल करने वाले ने, शरी सवाल करने वाले ने सवाल किया कि अगर कोई पानी में हो तो वजू किस तरह करें, यानी ये सूरत हाल है। कहीं एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना मुमकिन नहीं है, हत्ता ये कि अगर आप उन्हें पैसों के जरिए से अगर मदद करें तो वो भी उनके लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ हो कि जिसको वो खरीदे और खाए, ख़रीदने के काबिल नहीं, कोई चीज़ हो तो ख़रीदी जा सके। लिहाजा ये हम सब की शरी जिम्मेदारी है, मुमकिन है वाजिब किफ़ाई की हद तक हो, मैं कोई कन्फर्म बात नहीं कर रहा हूँ, और इन हालात की वजह से जो डेथ हो रही है, इंतकाल हो रहे हैं, कहने वाले ने ये बयान किया कि इंतकाल होने की वजह, तवज्जो कीजिएगा, इंतकाल होने की वजह भूख है, और आप जानते हैं कि भूख की इसकी वजह से इंतकाल होना, यानी बहुत दर्दनाक ज़ाहिर मौत है, एक अंदाज़ा है ज़ाहिर है। तो ये हम सब की शरी जिम्मेदारी है। ये दुआयत का मैं तर्जुमा पढ़ दूँ, पैगाम मैंने आपकी खिदमत में पहुँचा दिया। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मजलिस के बाद कोई जमा करने वाला है, कोई आपकी मदद आपसे जो हो, कोई जमा करने वाला सिलसिला है नहीं। आप हर शख्स जो हो आपके बराबर नहीं है, कोई ज़्यादा बहुत दूर नहीं, किसी दूसरे मुल्क में नहीं पहुँचाना है। लिहाजा हर शख्स अपनी अपने जानने वाले, अपने जो भी उनके सोर्सेज हैं उसके एतबार से वो मालूमात लें, और जहाँ तक यानी आँख बंद कर लेने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। और यानी हकीकत ये है, यानी मैं, मुझे बहरहाल एक ये मौका मिला कि मैंने 5, 10, 15, 20, 50 लोगों के दरमियान के कामों तक मैं भी ये बात पहुंचा चुका हूं, पहुंचा सका हूं, लेकिन मैंने अपनी कोई शरी जिम्मेदारी पूरी नहीं की इस सिलसिले में। यानी यहां तक तालिब इल्म के थ्रू जो हम तक पैगाम पहुंचा कि एक एक देहात की बात हो रही, एक गाँव की बात हो रही, आपका तक मुझे नहीं मालूम है सिंध के सिलसिले में या पाकिस्तान के हालात, यानी पाकिस्तान की जो ज़मीनी हालात है, ज़मीनी जो मकाम है, मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन महसूस रहता था कि गाँव की गाँव, देहात के देहात बहुत सारे जो वो तबाह हो चुके हैं। एक गाँव का एक तालिब इल्म भी ये बयान करता है कि उनके अंडर में 2 गाँव थे, तो कहते हैं कि दिन के 4000 रुपये का खाना वो डेली तैयार कर रहे हैं, 4000 खाना लोगों का, 4000 मैं अगर इश्तबा कर रहा हूँ, 4000 तक नहीं हो सकता है, ये तादाद भूल गया मैं, 4000 लोगों का खाना था शायद, और वो खुद 30 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं, जो खुद उस तालिबे इल्म जिसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जो नकल हुआ हम तक, जो उनके घर के जेवरात थे वो उन्होंने बेच दी, वो उन्होंने बेच दी। अब कहते हैं कि अब हमारे पास मोमिन को खिलाने के लिए कोई मदद और कोई कुमक नहीं है हमारे पास। लिहाजा ये एक शरी जिम्मेदारी है, अखलाकी शदीद जिम्मेदारी है, ये वो अखलाकियात नहीं है कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, किसी से हंसी मजाक से खुश अखलाकी से मिलना, नहीं, ये वो शरी जिम्मेदारी है कि जो क़यामत के लिए जवाबदेही यही है। ये फ़कत मुस्तहबात और ताकीदी मुस्तहब की बात नहीं है। मैंने कहा कि मुमकिन है जो है वो वाजिब किफ़ाई की हद तक हो, और अगर इस किस्म की बातें हैं कि वाकई लोग भूख से मर रहे हैं तो कतन वाजिब किफ़ाई है, कतन वाजिब किफ़ाई में मुझे कोई शक नहीं है। अब हम बहरहाल अपने तहत जितना भी हो सके कोशिश करें, जितनी मदद कर सकते हैं मदद करें, और अपनी जो लग्जरियस लाइफ है, अपनी जो आराम दे लाइफ है, उसमें से जितना काट सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल ये जो सूरत हाल है ये 1-2 दिन की सूरत हाल नहीं है, नहीं मालूम कि कितना टाइम लगेगा हालात स्टेबल होने में। जाहिर है जो लोग अभी, तो सिर्फ हम उनको, जो लोग काम कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ माइक पर बोल रहे हैं, सिर्फ माइक पर बोल रहा हूँ मैं, जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी इब्तदाई तौर पर 2 काम कर रहे हैं, एक उनके लिए शेल्टर और टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए किसी तरीके से टेंट मिल जाए, कोई शेल्टर हो जाए उनके लिए कि वो आकर अपना सर छुपा सकें, और दूसरा खाने का बंदोबस्त, खाने का जो जो भी इब्तदाई तौर पर खाने का काम हो सकता है वो कर रहे हैं। ये पहली जिम्मेदारी और ज़रूरियात है जो पूरी की जा रही है, ज़ाहिर उनकी जान बचाना और वो सारे काम, तो चलो उसके लिए शायद बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत ना हो, लेकिन वो एक अलग जिम्मेदारी है। तो ये 2 बुनियादी काम है, और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिन तक पैगाम पहुँचा उन्होंने बहुत अपने हिसाब से कोशिश की, और इंशाल्लाह खुदा हर मोमिन मोमिनात
को तमाम बलाओं से महफूज रखे, उनके रिस्क में इजाफा करे और हमें तौफीक दे कि हम जो है वो यानी ये जिस तरह वो इम्तिहान में गिरफ्तार है हम भी इम्तिहान में हैं, याद रहे। वो लोग उन लोगों का इम्तिहान नहीं है फकत, यकीन तो पर उनका इम्तिहान है सब्र का इम्तिहान है, सिर्फ सब्र का इम्तिहान है कि वो खुदा से कोई शिकवा तो नहीं कर रहे, खुदा से कोई गिला तो नहीं कर रहे, खुदा से नाउज़ुबिल्लाह मिसाली कोई झगड़ा तो नहीं कर रहे। ये उनका इम्तिहान है, उनका ये उनका इम्तिहान है। हमारा इम्तिहान यकीनी तौर पर हमारा भी इम्तिहान है कि हमने उनके सिलसिले में कितना ख्याल रखा, हमने क्या मदद की, अपने हिसाब से क्या मदद की। ये दो आयत थी जिसको मैंने सरनामा कलाम करार दिया, बच्चों के लिए फकत इसका तर्जुमा पढ़ लूँ कि जो मेरी इस गुफ्तगू से जो रिलेट करता है कि एक सूरह बकरा की इब्तदाई आयत اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم کہ یہاں پر اس کتاب کو بیان کیا گیا کہ یہ ہدایت دینے والی ہے متقین کو، نہیں کہا لوگوں کو۔ یہ میں نے پچھلے سال کی شاید آپ کی خدمت میں راسخون علم کے ذہن میں شاید گفتگو کی تھی، تو کہا کہ ये किताब हिदायत देने वाली मुत्तकीन की। मुत्तकीन किसको कहते हैं? तीन सिफात बयान की, तीन सिफात इब्तिदाई तौर पर तीन सिफात बयान की। पहली सिफत गैब पर ईमान लाने वाले हो। अब गैब क्या है, ये गैब क्या है, ये खुद एक तफसीली गुफ्तगू है, लेकिन रिवायतों में जिसको गैब कहा है वो गैबत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ है। गैब पर ईमान लाते हैं लाने वाले, बस मुत्तकी का दायरा वाज़े हो गया कि मुत्तकीन कौन है, न कि फकत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की। जाहिर वाज़े है यानी इज़ इक्वल टू है ये कि इमाम ज़माना की इमामत और विलायत को मानने वाले हो और गैब पर ईमान रखने वाले हो, गैब पर ईमान रखने वाला हो। और आज का जवान बहरहाल कोशिश करें कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के सिलसिले में जितनी रिवायात को पढ़ सकते हैं अपने ईमान को मोहकम और मजबूत करें। दुनिया की ताकतें, सोशल मीडिया, दुनिया का दुनिया की जो भी तबलीगात और जो भी प्रीचिंग वगैरह है वो उनको किसी तरीके से उनके ईमान को मुतज़लज़ल ना करें, क्योंकि बस एक इशारतन मेरा मौजू नहीं है, ये आयत 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 का टुकड़ा आया तो मैं एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा और जवान याद रखिएगा गैबत के ज़माने का इम्तिहान, गैबत के ज़माने का इम्तिहान यही है कि ये गैब पर ईमान बाकी में रहेगा। गैब पर ईमान, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये रिवायतों की रोशनी मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगरचे हो गया इस्तेमाल लेकिन सही इस्तेमाल किया, गैब पर ईमान बाकी नहीं रहेगा, न कि गैब पर ईमान नहीं रखता होगा। गैब पर ईमान ना रखता हो ये मोमिनीन के बारे में नहीं है, ये इम्तिहान नहीं है। इम्तिहान क्या है, वो गैब पर ईमान उनका बाकी नहीं रहेगा। और ये रिवायतों ने बिल्कुल 2+2 बिल्कुल साफ बयान कर दिया है कि गैबत के ज़माने का इम्तिहान गैब कि ये है कि गैबत के ऊपर जो वो इमाम की गैबत के ऊपर से इमाम की विलायत, ज़ाहिर गैबत में शक हुआ तो विलायत में खुद ब खुद शक हो जाएगा, इमाम की विलायत और इमामत में शक। दूसरा जुमला अल्लज़ी युकीमून अस्सलाम, नमाज को कायम करने वाला हो, ये मोमिन की जो है वो मोमिन की तारीफ हो रही है। तवज्जो कीजिएगा, ये बिल्कुल इब्तिदाई सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत मोमिनीन की तारीफ हो रही है। वो मोमिनीन कौन है? मोमिनीन ये कि जो गैब पर ईमान रखता हो, नमाज को कायम करता हो, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। नहीं कहा कुरान ने खुम्स की तरह, खुम्स की तरह नहीं कहा कि जो बच जाए उसमें से तुम जो खुम्स निकाल देना, मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। जो और बिलखसूस ये जो हालात जिसके बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये एक कुरान की आयत की जो खुदावंद खुदावंद मुताल मुत्तकी की आखिरी सिफत मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, जो हमने रिस्क दिया उसमें से वो इन्फाक करते हो। और दूसरी आयत की जिसको मैंने सरनामा कलाम करार दिया वो है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा रज़क़नाहुम। अजीब है ये आयत कि नेकी नेकी ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारी नेकी आ गई। अब मैं अपने बच्चों जवानों की खिदमत में एक जुमला बयान कर दूं, चाहे कुरान की आयत हो चाहे रिवायत हो, हम कुरान की एक आयत से पूरा दीन नहीं बना सकते हैं, एक रिवायत मोतबर रिवायत से पूरा दीन नहीं बना सकते हैं। अब मैं कहूँ, अब मैं इस आयत को इस तरह बयान करना चाहूँ कि दुनिया की सारी नेकियाँ खत्म, ये कुरान की आयत कह रही है कि दुनिया में अगर कोई नेकी है तो वो इन्फाक है, नहीं ये हक नहीं मेरे पास, ये हक नहीं है कि कुरान की एक आयत से दीन को बयान किया जाए।
या एक मोतबर हदीस से दीन को बयान किया जाए, ये इंसाफ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इसीलिए फुकहा मराज मुज्तहिदीन जो 30-40 साल हौज़े इल्मिया में ज़हमत उठाते हैं, क्योंकि कुरान की तमाम आयात को सामने रखते हैं, तमाम रिवायात आले मोहम्मद अली मुस्लिम को सामने रखते हैं, और उसके बाद एक गुप्त शरी को बयान करते हैं। बहरहाल कुरान की ये आयत क्या है, लन तनालुल बिर्रा। अब ये अगर ये हम हो और ये आयत हो तो यही तर्जुमा है कि नेकी नेकी है ही नहीं। मैं सिर्फ कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। हत्ता लन तनालुल बिर्रा के लन आता है, लामून लन आता है नफी अबदी के लिए, यानी पॉसिबल है। जिस तरीके से ये आयत का ये लफ्ज कहां पर आया, लन तरानी या मूसा, ए मूसा तुम कुछ मुझे देख नहीं सकते, हरगिज हरगिज नहीं देख सकते हो, जिससे जिसके जरिए से हमारे उलमा भी ये इस्तेदलाल करते हैं, खुदावंद मुताल न दुनिया में नजर आ सकता है ना आखिरत में नजर आ सकता है। लन तनाल लन तरानी या मूसा, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो हरगिज हरगिज। लिहाजा वो लोग, वो मुसलमान जो कहते हैं कि खुदावंद मुताल आखिरत में मोमिनीन को नजर आएगा, ये आयत उसकी उसको डिनाई कर रही है, उसकी नफी कर रही है। बहरहाल ये आयत क्या कह रही है, लन तनालुल बिर्रा तुम नेकी तक नहीं पहुंच सकते हो। कब तुम नेकी तक पहुंचोगे, हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम पसंद करते हो ना, जो देते हो वो तो इतना पसंद शायद ना हो, जो तुम पसंद करते हो वो इन्फाक करो, जो तुम पसंद करते हो वो इन्फाक करो। बहरहाल ये दो आयत मैंने मौजू से हटकर जो है वो आपका शायद 10-12 मिनट लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये अहम ऐलान था जो आपकी खिदमत में करना जरूरी था। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उन्वान आप तक पहुंचा हुआ है कि जो हमारा ये चंद रोजा गुफ्तगु के लिए मौजू सुखन है वो ये इस्मत है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम, इस्मत और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ये मुरक्कब मौजू रखने का बहरहाल एक खास मकसद था कि इंशाल्लाह शायद आगे बात वाज़ेह हो कि इस्मत ऐन स्वाद मीम और फातिमा वाली ते, अगर जो उर्दू में लिखते हैं तो बड़ी ते के साथ लिखते हैं, जब उर्दू में लिखते हैं तो इस्मत बड़ी ते के साथ लिखते हैं, ऐन स्वाद। अभी मैं किसको सुना रहा हूँ बड़ी ते, बच्चों को तो समझ में नहीं आती छोटी ते और बड़ी ते, लेकिन बहरहाल जो है वो ऐन स्वाद मीम और ते ये इस्मत उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अरबी में है इसका जो कि इसकी जो रूट वर्ड्स है ऐन स्वाद मीम और फातिमा वाली है, यानी अगर इसको मैं स्टॉप करके पढ़ूं तो इस्मा इस्मा, जैसा फातिमा हम पढ़ते हैं फातिमा पढ़ते हैं इस तरह इस्मा, लेकिन बहरहाल ये मैं इस्मा तो नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं जिसके दरमियान लफ्ज़ इस्मत ही लेकर आऊंगा मैं, जिस तरीके से हम विलायत पढ़ते हैं, विलायत भी बहन ही इसी तरीके से विलाया है, विलाया है फातिमा की तरह, उसके आखिर में भी ते या हे जो भी हम इसको कहें विलाया है, वरना बहरहाल विलायत कहा जाता है इस्मत। इस्मत दर हकीकत ये आयत की जिसको सरनामा कलाम करार दिया, बेहतरीन है ये वो आयत है जो इस्मत के ऊपर दलील है, इस्मत के ऊपर दलालत करती है। इस्मत इंशाल्लाह इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू रहेगी और बहरहाल ये हमारा मौजू है और चौथे इमाम के हालात के एतबार से जो भी इसके साथ हमारे मौजू के साथ मुंसलिक बातें होंगी वो इंशाल्लाह की खिदमत में बयान करेंगे। इस्मत के माना होते हैं किसी चीज को किसी चीज से बचाना, अब इसका मुतादी माना लें तो ये बनेगा, अगर लाजिम माना लें तो ये होगा कोई चीज किसी चीज से बचे, बचने वाली चीज, बचना किसी चीज से। इसीलिए अरबी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है माउल मोतसिम, वो पानी जो कुर पानी है जारी पानी है उसको कहा जाता है माउल मोतसिम, यही रूट वर्ड्स है स्वादी माउल मोतसिम। क्यों कहा जाता है इसको माउल मोतसिम, इसलिए कहा जाता है कि ये कुर पानी अगर इसमें नजासत गिर जाए, इसमें नजासत गिर जाए तो ये पानी नजिस नहीं होता है। अगर माउल मोतसिम किसे कहते हैं, अगर उसमें नजासत गिर जाए तो वो पानी नजासत पजीर नहीं है, नजासत अपने अंदर नहीं लेता है। तो जिनको खुदा मासूम बना देता है वो भी रिज से रिज पजीर नहीं है, रिज को कबूल नहीं करता है, अपने करीब रिज से नहीं आना पड़ा आने देता है। ये बहरा माना इसका लोगी माना, और इंशाल्लाह इस पर मजीद गुफ्तगू रहेगी कि इस्मत हम जब
इस्मत पर गुफ्तगू करते हैं, इस्मत पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो फकत ये नहीं है कि जो भी मासूम है। अच्छा, जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम करार दिया, देखिए मासूम दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक अंबिया की इस्मत, अंबिया के मासूम होने को डिस्कस किया जाता है, एक जो है वो आयमाए अथार अलैहिस्सलाम की इस्मत और उनके मासूम होने को डिस्कस किया जाता है। मजे की बात यह है, इस एतबार से मजे की बात कि कुरान में सराहत के साथ, अगरचे इशारतन और किनायतन मुमकिन है अंबिया के लिए भी इस्तेफादा हो, लेकिन कुरान ने जहां पर तमाम आलम इस्लाम और इसमें सर्व फहरिस्त तशय्यो जो अंबिया को, अंबिया की इस्मत को डिफेंड करते हैं, अंबिया की इस्मत का दिफा करते हैं, आयमाए अथहर की रिवायत की रोशनी में सबसे आगे अगर आपको इस्मत के सिलसिले में जो डिफेंड करने वाले, अंबिया की इस्मत के सिलसिले में जो सबसे ज्यादा दिफा करने वाले हैं अंबिया को, अंबिया की इस्मत को, वो तशय्यो है, वो शिया है जो सबसे ज्यादा जो वो डिफेंड करने वाले अंबिया की इस्मत को। तो तवज्जो कीजिएगा, दो हिस्सों में इसको डिवाइड करें, मासूम को दो हिस्सों में डिवाइड करें। इस्मत से हमने निकाला मासूम, इस्मत दर हकीकत उस सिफत को कहते हैं, उस क्वालिटी को कहते हैं। अगर आपके पास इल्म है तो इल्म क्वालिटी है, लेकिन आपको क्या कहा जाएगा, आलिम। आप साहिबे, आप साहिब नहीं, आपके पास अगर इल्म है तो इल्म क्वालिटी है, इल्म सिफत है। आप खुद क्या हो जाएंगे जब क्वालिटी आपके साथ मैच हो जाएगी, क्वालिटी आपके अंदर उतर जाएगी, तो आप बन जाएंगे आलिम, आलिम। इस्मत भी इसी तरीके सिफत है, इस्मत एक सिफत है इल्म की तरह। जिस जात में इस्मत आ जाए उसको मासूम कहते हैं, जिस जात में इस्मत आ जाए उसे मासूम कहते हैं। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मजीद आगे, चूंकि ये बहरहाल एक मौजू मुश्किल मौजू है, खुश मौजू है, और वो मौजू है कि जिस पर बहरहाल यानी खुश खुद ब खुद खुश हो जाएगा। हर वो कलाम, हर वो बहस जो उलमा जाके सुकून से इस्तेराहत के साथ खाली जहन होकर जिस पर रिसर्च करते हैं, वो हमेशा खुश गुफ्तगू होती है, वो माजरत के साथ वो हमेशा खुश गुफ्तगू होती है, और खुश गुफ्तगू कभी भी मेंबर के साथ मैच नहीं करती है। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद, मखसूस चीजें होंगी जो मैं आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में जो भी बयान कर सकूं जो मेरी तवान में होगा। बस इस्मत एक सिफत है, जिस हस्ती में है, जिस जात में है, वो मासूम हो जाता है। और आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा था कि अंबिया और आइमा तशय्यो, क्योंकि आइमा की इस्मत सिर्फ और सिर्फ खासा है, खसूसी तौर पर, स्पेशल तौर पर, ये वो अकीदा है कि जो सिर्फ और सिर्फ शिया कायल हैं, शिया कायल हैं इस बात के कि इमाम मासूम होना चाहिए, इमाम मासूम होना चाहिए। अब जुमला सुन लीजिए, बात आगे बढ़ाने से पहले एक जुमला सुन लीजिए ताकि आपकी जो वो खामोशी को भी जो थोड़ा सा मैं तोड़ूं कि तवज्जो कीजिएगा, ये इस्मत आइमा की इस्मत के कायल फकत और फकत कौन है, फकत और फकत शिया है। इसको शियों को आसान अल्फाज में खासा, यानी ये शिया, शिया इमामत के इस्मत के कायल है। क्यों 2+2=4 है, क्यों 2+2=4 है, इसलिए कि इस्मत दिखाई देने वाली चीज नहीं है। इस्मत वो है कि कोई खुदा या रसूल बताए कि ये मासूम है तो मासूम होता है, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है। लिहाजा हम कहते हैं कि चूंकि मां आयमा की इस्मत को अल्लाह और रसूल ने बताया तो हम कायल हुए। अब वो कैसे कायल हो, क्योंकि वो भी जानते हैं किसी के माथे पे तो नहीं लिखा है, वो भी जानते हैं किसी के माथे पर नहीं लिखा, जिनके बारे में कहा उनको मान नहीं सकते हैं, जिनके बारे में कहा उनको मान नहीं सकते हैं। लिहाजा ये आयत कि जिसको सरनामा कलाम करार दिया, इन्नमा युरीदुल्लाह ले युज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ा, इस ये आयत एक मौरिद निज़ा, मौरिद बहस, मौरिद इख्तिलाफ, इख्तिलाफ बैन शिया व सुन्नी करार पाई आयत, और शदीद इख्तिलाफ
कि किस तरह आयमाए अथार अलैहिस्सलाम ने इस आयत से अहले बैत के लिए इस्मत को प्रूफ किया, साबित किया, और पूरी तवान के साथ, पूरी कुदरत के साथ, पूरी ताकत के साथ, अब जो भी आप ताकत का नाम देना चाहें, एक ताकत है रहमानी होती है, दूसरी जो भी ताकत आपको बनानी हो, पूरी ताकत के साथ जवाब दिया, एतराज किया शियों के इस इस्तेदलाल के ऊपर कि जो कुरान की इस आयत से आयमा की इस्मत को साबित करते हैं। बस मुलाहिज़ा फरमाया आपने कि आयमा की इस्मत फकत और फकत खासा है, शियों का खासा है। अंबिया की इस्मत तमाम मुसलमान मुत्तफिक इस बात के नबी मासूम होता है, लेकिन आपकी खिदमत में एक बात अर्ज की मैंने कि शिया अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी कुदरत के साथ अंबिया की इस्मत का दिफा करते हैं। इंशाल्लाह आपके सामने बयान करूंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है, जरूरी है ताकि पता चले, मजहब हक पता चले, हमें पता चले कि आले मोहम्मद का दीन क्या है, हमें पता चले कि आले मोहम्मद खुद कहां है। ये अगर हमारे बच्चों जवानों तक नहीं पहुंचाया गया तो बहरहाल जो भी है, बहरहाल उसके अवाकिब और उसके रिजल्ट वो अपने मकाम पर, लेकिन तवज्जो कीजिएगा, ये दो लोगों के बारे में, दो ग्रुप्स में, दो हिस्सों में इसको डिवाइड करें, एक नबी की इस्मत, एक नबी का मासूम होना, एक इमाम का मासूम होना। अच्छा, तमाम आलम इस्लाम कायल है इस बात के कि नबी मासूम होता है, शिया का खासा है, शिया की स्पेशलिटी है कि वो कायल है इस बात के उनके इमाम मासूम होते हैं। अब आपकी खिदमत में एक नुक्ता बयान करूं, तवज्जो कीजिएगा कि मेरा जो सरसरी बहुत ही कुरान पे, आपकी तरह मेरा भी सरसरी सा मुताला है, पर बहुत डीपली नहीं है। इस्मत के ऊपर अंबिया के लिए बहुत वजाहत के साथ, आप तवज्जो कीजिए, वाजे हो गए मेरे साथ आप इंशाल्लाह, अंबिया की इस्मत पर इत्तेफाक है, अंबिया की इस्मत पर इत्तेफाक है तमाम मुसलमानों का, लेकिन उसके बावजूद मेरा जुमला साथ साथ याद रखिएगा, अगर आपको शायद बड़ा मुतजाद जुमला लगे, तजाद भरा जुमला लगे, कॉन्ट्रडिक्ट जुमला लगे, लेकिन अगर समझ में आ गया तो सही, वरना शायद होंगे आगे वाली गुफ्तगू में भी ये बात वाजी हो जाए। तमाम अंबिया की इस्मत पर इत्तेफाक है तमाम मुसलमानों का, लेकिन सबसे ज्यादा शियों ने, उलमाए शियों ने अंबिया की इस्मत का दिफा किया। ये कॉन्ट्रडिक्ट बात है, मेरी तजाद वाली बात है। एक दफा आप कह रहे हैं मौलाना सारे के सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं, फिर आप कह रहे हैं दिफा भी किया, तो हाँ इसी से बात समझ में आ रही है कि कुछ दाल में काला है। अंबिया की इस्मत, चूंकि कुरान नाजिल हुआ, कुरान में दो किस्म की आयतें, पिछले साल का मेरा मौजू आयात मुहकमात, आयात मुतशाबे, आयात मुहकमात, आयात मुतशाबे, कि दो किस्म की आयात को कुरान ने रखा कि खुदा इसका फलसफा जानने वाला है, खुदा इसकी हिकमत को जानने वाला है, लेकिन एक हिकमत जो मेरे बहुत ही नाकिस अकल में आने वाली है, बहुत ही छोटी सी हिकमत जो मेरी नाकिस अकल में आने वाली है कि खुदा ने दो किस्म की आयात को रखा और ऐलान कर दिया इसमें आयात मुहकमात भी है, आयात मुतशाबे भी है, ये बताने के लिए, ये खुदा को करवाने के लिए कि खुदा उम्मत रसूल से ये करवाना चाहता था कि उम्मत खुद कुरान से इस्तेफादा ना करे, खुद कुरान से इश्तेहाद ना करे, बल्कि दरे आले मोहम्मद पर आए। कुरान मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि कहीं जोश खिताबत में ये लफ्ज मिस ना हो गया हो, कुरान ने दो चीजों को रखा, दो चीजों, दो किस्म की आयात को रखा, आयात मुहकमात, मैं और आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं, आयात मुतशाबे, कुरान का दावा ये कि नहीं समझ सकते हो, कुरान ने साफ कह दिया। अब मुसलमानों से सवाल है, हसबुना किताब अल्लाह वालों से सवाल है, क्या करूं इन आयात को, फकत तबर्रुकन इस्तेमाल करूं या ये कुरान नाजिल हुआ है हिदायत के लिए, आयात मुतशाबे को निकाल दूं, अब ये एक सवाल है, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हमारे लिए पहुंच मुश्किल नहीं है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमारे लिए मसला नहीं है, ये कुरान खूब आयात मुहकमात, आयात मुतशाबे, हम आयत मुहकमात की तफसीर में भी दर आले मोहम्मद पर जाते हैं, आयत मुतशाबे को समझने के लिए भी दर आले मोहम्मद पर जाते हैं। बहरहाल इस मौजू पे मैंने गुज़िश्ता साल बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, बस तवज्जो कीजिएगा कि तवज्जो कीजिएगा कुरान में मेरे फहम, मेरे जितना भी मैंने कुरान की आयात पढ़ी, कहीं भी मुझे अंबिया की
अच्छा, जो जुमला मैं आगे बयान कर रहा था वो मुतसाद वाला मेरा मेरा तसाद जुमले की तशरीह कर रहा था कि अंबिया तमाम अंबिया के मासूम के तमाम मुसलमान कायल हैं, और जो है वो शिया बिलखसूस और शियों ने दिफा किया है इस्मत अंबिया पर। ये जुमला मैंने क्यों कहा, बात आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह की खिदमत में इसकी तफसील आएगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना भी इस मौजू का हक अदा कर सकें, अपने फहम के एतबार से आपकी खिदमत में बयान कर सकूँ। चूंकि खुदावंद मुताला ने जो कुरान नाजिल किया है, कुरान जो नाजिल किया है इतना आसान नहीं है, बहुत से मकामात पे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, और बहरहाल गुज़िश्ता गुफ्तगू में गुज़िश्ता साल की गुफ्तगू को तकरार नहीं करना चाहता। अब बहुत से मकामात पर इंसान अगर कुरान की आयात पढ़े तो नबी का नऊज़ुबिल्लाह 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 गुनहगार होना दिखाई देता है, नऊज़ुबिल्लाह मिसाल। अब कौन तशरीह करेगा, कौन बताएगा, मुझे बताना ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है, रसूल की हदीस आपके पास मौजूद नहीं है, अब कौन बताएगा इस कुरान की आयत का मैं क्या करूं। जिससे पता चल रहा है, तवज्जो कीजिएगा, देखिए मुसलमान किस तरह गिरफ्तार है। अकल कहती है नबी मासूम होना चाहिए, कुरान कहता है नबी ने गुनाह किया, इसको झुठलाए। अगर अकल को झुठलाते हैं तो तौहीद भी चली जाएगी, तो इसी अकल से तो हमने अल्लाह को पहचाना, इसी अकल के जरिए से तो नबी को पहचान माना, बाकी आगे की बात नहीं करता हूं, इसी अकल के जरिए से तो कयामत पर अकीदा रखा, यही अकल के जरिए से। लिहाजा अकल की बात मानो, अकल की बात मानो या कुरान की बात मानो। अच्छा, ये मैं आपकी खिदमत में बच्चों की खिदमत में बात अर्ज कर दूं, अकल कोई खेल नहीं है। हर चीज को हम अकल का हुक्म लगा देते हैं, मेरी अकल सुबह शाम मेरी अकल चल रही होगी, ये उस अकल की बात नहीं है, ये वो अकल नहीं है, ये हमारा ख्याल है कि ये अकल कह रही है। ये दर हकीकत बाजों का मेरा मिजाज जो कह रहा होता है उसको मैं अकल का नाम देता हूं, मेरा माहौल के तकाजे बाजों का होते कि मैं ये बात कहूं उसको मैं अकल का नाम देता हूं, ये वो अकल नहीं है। अब ये कौन सी अकल है, क्या है अकल, किसको कहते हैं अकल, वो अकल के जिसकी जरिए से तौहीद पहचानी जाती है। रिवायतों के मुताबिक खुदा ने दो किस्म के नबी दिए हैं, तवज्जो कीजिएगा, बात आई है एक जुमला तो आपकी खिदमत में बयान कर दूं। खुदा ने दो किस्म के नबी भेजे, उसने कहा कि ये रिवायत है, दो किस्म के नबी भेजे, दो किस्म के नबी, एक नबी जाहिर है एक नबी बातिन है। अकल का रुतबा जरा देखिए, अकल का रुतबा कितना अजीम है, लेकिन इसको कंट्रोल करके रखना होता है, इसको कंट्रोल करके रखना होता है, बल्कि आसान अच्छे अल्फाज में ये कहूं, अकल को कंट्रोल नहीं किया जाता है, हमको नहीं पता कि अकल का इस्तेमाल कहां होता है, हमें नहीं पता होता, हम समझ रहे हम अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई मौलाना फजर की दो रकअत क्यों है, हम समझते हैं अकल को इस्तेमाल है, नहीं। यहां पर अकल क्या कहती है, इमाम खुदा इमाम ने क्या किया, सरे तस्लीम खम सर झुका दो रकअत नमाज पढ़ो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये अकल का इस्तेमाल नहीं है। बस तवज्जो कीजिएगा, दो किस्म के नबी है, रिवायत के बकौल दो किस्म के नबी है, एक नबी बातिन एक नबी जाहिर। नबी जाहिर के 124,000 अंबिया, नबी बातिन किसको कहा नबी, कि जाहिर अगर मैं रिवायत अगर मैं फरामोश ना करूं तो रिवायत का जुमला है, वो इस जुमले के बाद रिवायत का जुमला किसे का बयान करूं, नबी बातिन किसको कहा है रिवायतों ने, इसको किसको कहा है, हमारे अकल को नबी बातिन का। नबी का काम क्या होता है, नबी का काम होता है हिदायत देना, अकल का काम क्या है, हिदायत। याद रखिए अकल कभी भी गुमराही की तरफ हिदायत गुमराही की तरफ रास्ता नहीं दिखाती, लगते हिदायत नहीं कह सकता मैं कभी, अकल का अकल जो वो गलत रास्ता नहीं दिखा सकती है, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अब ये खुद अकल बहुत ही मुश्किल गुफ्तगू है, अगर शौक है और होना चाहिए शौक, जाके उसूल काफी है। अब बेचारे बच्चे जिस तरह सारी मुश्किल किताबों का हाल होता है, वो उसूल काफी खोलते हैं, सबसे पहला चैप्टर शेख याकूब कुलैनी आज अल्लाह मकाम हो कि वाकान हमारा सलाम हो, शेख याकूब कुलैनी सबसे पहला चैप्टर वो अकलो जहल का निकलता है। दो चार पांच दिन बड़ी मेहनत से ये हदीसें पढ़ी, 20-30-40 थक जाता है इंसान, लिहाजा उसूल का भी मेरे बच्चों और जवान शुरू करें, आगे से शुरू करें, और बिलखसूस आपके मिजाज के अतबार से किताबुल हुज्जत से शुरू करें, किताबुल हुज्जत से शुरू करें, ये आले मोहम्मद है कि जिनकी बरकत उसे हिदायत हासिल होती है। बस तवज्जो कीजिएगा, अकल क्या है, दो किस्म की नबी, एक नबी जाहिर अंबिया, अकल को नबी बातिन कहा है,
और बाज रिवायत अगर मैं इस्तेमाल ना करूं, रिवायत का जुमला जरा मुलाहिजा फरमाए कि अक्ल का मकाम कितना बुलंद है, लेकिन इंसान को यह पता होना चाहिए कि अक्ल की हद और हुदूद भी कितनी है। दो चीजें हैं, अक्ल का मकाम और अक्ल की हद और हुदूद कितनी है, यह मालूम होना चाहिए। अकल का मकाम के बाज रिवायतों में कि अगर अकल ना हो तो इंसान तौहीद नहीं समझ सकता, तौहीद का अकीदा किस पर डिपेंड करता है, अकल के ऊपर। नबुवत और इमामत और रिसालत और कयामत तो बहुत दूर की बात है, अगर अकल ना हो तो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता है, अकल ना हो तो इंसान तौहीद और खुदा पर अकीदा नहीं रख सकता है। बस आपने मुलाहिजा फरमाया, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद कि नबी का मासूम होना अब क्या है, कुरान की आयत। एक मुसलमान जब कुरान के सामने बैठता है तो उसके अंदर जंग शुरू होती है, अकल और कुरान की जंग, वो नहीं सकती। याद रखिएगा, कानून अकली है कि कभी भी अकल परफेक्ट अकल जिसको मैंने डिफाइन नहीं किया, मैंने खुद अकल को डिफाइन करने की जरूरत है, अकल की तारीफ करने की जरूरत है, अकल के तशरीह करने की जरूरत है। अकल किसको कहते हैं, अभी आप समझ लेंगे, अकल कोई होगी चीज, होगी कोई शय, उस उनवान से सुन लें। अगर जो अकल है, कतन अकल है आपके पास, मेरे पास, सबके पास है, हर शख्स के पास अकल है, लेकिन बाज़ वक़्त हमें समझ नहीं आ रही थी कहां अकल शुरू होती है, कहां से हमारा वहम शुरू होता है, कहां से अकल शुरू होती है, कहां से मिजाज शुरू होता है, कहां से अकल शुरू होती है, कहां से नफ्स परस्ती शुरू होती है। ये हर इंसान के पास अकल है, हर इंसान के पास अकल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आकिलों के दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूँ, आकिलों के दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूँ, और माशाल्लाह साहिबान अकल और आला दर्जे के साहिबान अकल है जो मेरी मुश्किल गुफ्तगू को सुनने की बेचारे कोशिश कर रहे हैं। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बस तवज्जो कीजिएगा। मुसलमान जब कुरान पढ़ता है तो ये दो चीजों के दरमियान गिरफ्तार है, किसके दरमियान, अकल कहती है कि नबी का मासूम होना चाहिए, कुरान की आयत कहती है मूसा ने ये किया, हजरत आदम ने ये किया, हजरत इब्राहिम ने ये किया, इसको क्या करें। तो अब लिहाजा शिया आता है, अब इन्होंने जाहिर नबी को दिफा भी करना है और नबी को मासूम भी बयान करना है और कुरान को भी सही रखना है, लिहाजा आप समझ लीजिए कैसी खिचड़ी पकड़ी होगी। एक तरफ से नबी की अकल को भी, अकल की, नबी की इस्मत को भी बचाना है और कुरान की आयत उसको भी बचाना है, लेकिन जो दर आले मोहम्मद पर अपनी पेशानी को टेकते हैं, जो हमेशा दर आले मोहम्मद से और खुदावंद मुताल ने हिदायत का जरिया आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, और ये याद रखिएगा इसका इस्मत से ताल्लुक है, आले मोहम्मद मासूम, हिदायत का ताल्लुक इस्मत पर डिपेंड करता है। इस्मत किस पर डिपेंड करती है, इंशाल्लाह आने वाली गुफ्तगू पे आपके खिदमत बयान करूंगा, लेकिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने एक एक आयत का जवाब दिया। लिहाजा ये मेरा उस जुमले की तशरीह थी जो मैंने बहुत ही इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में बयान की। क्या दोबारा बयान कर दूं कि तमाम मुसलमान कायल है इस बात के कि 1,24,000 अंबिया मासूम है। सबसे ज्यादा तशय्यों ने उलमा की रिवायात के जेर में और अल्हम्दुलिल्लाह की रिवायत की रोशनी में उन्होंने पूरे तरीके से अंबिया की इस्मत का दिफा किया। लेकिन तवज्जो कीजिएगा, ये नुक्ता काबिले तवज्जो है जो मैं, जिसके लिए आपकी खिदमत में आपको जहमत दे रहा था इस नुक्ते के लिए। मैंने जितना भी मुताला किया, जितनी मुझे आयात याद है जो फिलहाल इजमाली तौर पर मालूम है, मेरे उसमें कहीं इतनी वजाहत और सराहत के साथ, तवज्जो कीजिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं एक जुमला, एक रिपीट मासर के साथ, एक जुमला रिपीट कर रहा हूँ। अंबिया की इस्मत क्या हुई, इंटरनेशनल तमाम मुसलमान कबूल करते हैं, तमाम मुसलमान कबूल करते हैं, सही। उसके बावजूद आप लोगों ने मुसलमानों की मुश्किल को एहसास किया कि कुरान की आयात के साथ ये अकीदा मैच नहीं कर पा रहा है, ये हो गया सारी दास्तान इसकी। अंबिया की इस्मत इंटरनेशनल सब कबूल करते हैं, इंटरनेशनल सारे मुसलमान कबूल करते हैं। आयमा की इस्मत सिर्फ और सिर्फ शिया अफराद, शिया इसना अशरी 12 इमाम शिया, वो इमामों की इस्मत के कायल है। यहां पर एक नुक्ता भी हद दर्ज कर दूं, 12 इमामी क्यों कहा, इसलिए कि जिन्होंने भी, देखो कुछ कोई भी
दो चार पांच इमामी नहीं है हमारे पास, छह इमामी भी नहीं है। जब कहते ना छह इमामी, नहीं छह इमामी भी नहीं है, वो 52 इमामी है। कोई है ऐसे जिन्होंने 3 पे आके स्टॉप कर दिया हो, 6 पर आके स्टॉप कर दिया हो, 11-12 पे स्टॉप कर दिया? नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, अपने इमाम बनाना शुरू किया। तो 12 से कम अदद वाला इमामी कोई नहीं है, क्योंकि उनको खींच कर लेकर आना है कहां तक, कहां तक लेकर आना है? मुसलमान, तमाम मुसलमानों का इजमा है किस बात के ऊपर, कि इन्न मिन वलदि हुसैन अलैहिस्सलाम के यमलुल अर्ज किस्तव अदला कमा मुलियत सुल्म मुझोरा। तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि हुसैन का सलाम अलैहि का एक फर्जंद होगा जो जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा, जिस तरह जमीन सुल्म जोर से पूर हो चुकी होगी, और उसकी इस्मत या उसको इमाम मानते हैं सभी मुसलमान, सारे मुसलमान मानते हैं, सारे मुसलमान मानते हैं। हाँ, ये 1,24,000 वाले सारे मुसलमान मानते हैं, जो 1,24,000 के इस्मत के भी कायल है, वो भी इमाम जमाना का अकीदा रखते हैं, वो भी इमाम जमाना का अकीदा रखते हैं। लिहाजा 12 से कम कोई नहीं है, 12 से ज्यादा वाले ही मिलेंगे हमेशा। ये जुमला शायद मैंने भी पहली दफा इस अंदाज से बयान किया, सोचा मेरे जहन में भी आया और बयान करके आपकी खिदमत में। आप भी सोचिएगा कि जो बात मैंने कही है वो आया जो कि वो सही है या सही नहीं, लिहाजा तवज्जो कीजिएगा। जितने भी मैंने जुमला कहा, जिसकी तशरीह के लिए जुमला कहा था, वो जुमला आप लोग भूल गए होंगे ना, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मुझे भी अपने ऊपर ताज्जुब हो रहा है कि वो पोजीशन जुमला भी मुझे याद है कि मैं कान छोड़कर आगे बढ़ा था। तवज्जो कीजिए, जुमला में आपकी खिदमत में बयान कर रहा था कि फकत 12 है। क्या है फकत 12? जो इमाम की 12 इमाम के मानने वाले फकत वो हैं। बहुत मुश्किल जुमला है ये, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। गुरु पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इस्मत के कायल है। क्यों कहा मैंने ये बात, बात वाजे है, क्यों कही मैंने बात, क्योंकि जो भी उस पटरी से उतरा उसको इस्मत साबित करनी पड़ेगी। इस्मत साबित करने के बजाय अकीदा इस्मत को छोड़ बैठो। लिहाजा जैदिया, जारूदिया, जितने भी इस्माइलिया, ओहरा, जो भी हैं, ये सब के सब लाबुद जरूरी है कि ये लोग कायल हो इस बात के इमाम मासूम नहीं होना चाहिए। तो इस्मत किसी के माथे पे नहीं लिखी, किसी के माथे पे नहीं लिखी, तो आप कहां से प्रूव करेंगे, कैसे साबित होगा? हदीस लेकर आप रहेंगे, दलील ले आता जगह इस मुसीबत से छुटकारे के लिए इमाम को ही इस्मत से उतार दो। लिहाजा ये मैंने जुमला का मजीद काबिल तहकीक है इंशाल्लाह। 12 अब तवज्जो कीजिएगा, एक नुक्ता आपकी सहमत को इंशाल्लाह नजदीक पे तमाम कर रहा हूँ, एक नुक्ता उसके नजदीक पे तमाम कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को, तवज्जो कीजिएगा। अंबिया की इस्मत तमाम मुसलमान कबूल करते हैं। मुझे मेरे जाहिरी मुताले में कुरान के आयात जितनी मेरे जहन में उसके एतबार से मुझे कहीं वाज वजाहत के साथ अंबिया की इस्मत, हाँ अंबिया की फजीलत, अंबिया को इंतखाब किया गया, अंबिया को अजमत दी, लेकिन ये कोई खिताबत तो नहीं है ना, ये कोई मिंबर तो नहीं है कि हम कहें कि खुदा ने इंतखाब किया तो मासूम होगा। नहीं है, ये इस तरह बहस नहीं हुआ करती है। बहस होती है 2+2=4 करती होती है। लिहाजा इस्तफा हूँ, कुरान ने बाजू को कहा इस्तफा हूँ, हमने इंतखाब किया, हमने इंतखाब किया, सराहत नहीं है कि आप कहें कि इसे इस्मत साबित। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज कर रहा था क्या कि कोई आयत बहुत वाज़े तौर पर अंबिया की इस्मत के लिए कोई दलील आयत की शक्ल में नहीं है। अब क्या इसकी दलील है, जब आयत नहीं है तो फिर कौन बयान करेगा, वो इंशाल्लाह की खिदमत में बयान करूंगा। लेकिन तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, क्या अंबिया जो मुत्तफकुन अले हैं कोई आयत वाजे नहीं है, इमाम जो मुख्तलफुन फी है उसके लिए आयत तथीर मौजूद है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब क्या समझते हैं मुसलमान आकर घुसने देखते हैं माशाल्लाह सुभानअल्लाह नारे देते हैं, तो फिर ये 1400 साल की कहानी तो चलेगी ना।
कि ये इरादा इरादा तशरी है, ये इरादा इरादा तकवीनी है, रिज से मुराद ये नहीं है, यूं नहीं है, वो नहीं है, अहले बैत को कभी किसी को निकाल रहे हैं, किसी को दाखिल कर रहे हैं, वो सारी सहमत है कि कुछ की तरफ इंशाल्लाह की खिदमत में इशारा कर दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह शिया उलमा दिफा करते हैं और ये वाकान खुदावंद मुताल की तरफ से हिदायत है कि बगैर रिवायतों से अब आपको इन एतराजात का इस आयत के ज़ेर में, अगरचे हमारे पास रिवायत मौजूद है कि ये आयत अहले बैत की तहारत की दलील है, ये आयत अहले बैत के रिज से पाक होने की दलील है, ये आयत अहले बैत के मासूम होने की दलील है, लेकिन ये आयत ने बयान किया, उसके बाद जो मुसलमानों ने बाकी इस आयत के साथ जो भी किया, शियों ने उसका दिफा किया और अहले बैत अथारा की इस्मत को साबित किया। बस तवज्जो फरमाया आपने कि मुसलमान, अच्छा यहाँ पर एक नुक्ता की खिदमत बयान कर दूं, और एक और इस्मत के ऊपर आयत तरीक है, एक और आयत है जो इस्मत के ऊपर दलील है, और मैं इंशाल्लाह ये आयत पढ़ूंगा, बहुत सुनी हुई आयत है। ये जब मैं आयत पढ़ूंगा तो आपके लिए इस्मत थोड़ी एक हद तक वाजे हो जाएगी, लेकिन बहुत मशहूर मारूफ आयत है। आप लोग बाबा मोमिन के चेहरों से लग रहे हैं वो आयत क्या है, तक मान के माशाल्लाह बहुत ही मशहूर मारूफ आयत, मा यंतको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, मा यंतको अनिल हवा, तो ये किसके बारे में आयत है, ये आखिर रसूल खत्मी मरवत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तभी रिवायतें बहुत ही खूबसूरत रिवायतें हमारे मौजू से भी बहरहाल एक हद तक
मुंसली के इमामत के सिलसिले में आठवें इमाम की रिवायत है, बड़ी तफसीली रिवायत है और मकाम और असमत इमामत को बयान किया। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आने वाली गुफ्तगू में हदीस से थोड़ी बहुत आपकी खिदमत में उसको बयान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस्मत इंसान को खता से महफूज रखती है, इंसान को इस्मत खता से महफूज रखती है। और वाकई इंसान की जिंदगी में खता दिखती है। और जब मौर्रिख किसी के हालात बयान करें और हालात बयान करने में मौर्रिख अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उसकी खता को ना निकाल सके, इस्मत की वो आती है, इस्मत समझ में आती है। तारीख में हमारे पास ऐसे बहुत सी हस्तियां हैं, सारे फहरिस्त हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, किस तरह इमामत एतमाद करनी है शख्सियत ज़ैनब के ऊपर। देखिए यकीन तौर पर असर आशूर जंग करबला खत्म हो गई, लेकिन नहजत हुसैनी, पैगाम हुसैनी, मौला हुसैन का पैगाम, वो तो उस वक्त तक चलता रहा जब तक कि ये लौटा हुआ कारवां मदीने वापस आ पलट रहे। लेकिन आप देख लीजिए, इंशाल्लाह ये मौका मिला तो कल मैं अपनी गुफ्तगू के दरमियान इंशाल्लाह इसको मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हजरत खदीजा, हजरत ज़ैनब के ऊपर सलामुल्लाह अलैहा इमाम एतमाद कर रहे हैं, इमाम हजरत ज़ैनब पे एतमाद किया जा रहा है। अगर हजरत ज़ैनब एक आम खातून होती, आम खातून का क्या हाल है, आम खातून के एक आम इंसान जो मुसीबत दीदा हो, जिसको जिसके भाई को बेदर्दी से मारा गया हो, जिसके एक भाई के दोनों बाजू को काटा गया हो, जिसके दोनों लाल को कत्ल किया गया हो, जिसके 18 बरस के अकबर को कत्ल किया हो, जिसके भाई की यतीम निशानी उसका लाशा पामाल हुआ हो, लेकिन कोई एक मकाम दिखा दे जहां ज़ैनब ने अपने हवास को खोया हो, जहां पर ज़ैनब ने अपने अपने हवास को खोया हो, अपने पूरे हवास के साथ, अपने पूरे शऊर के साथ, अपनी पूरी अक्ल के साथ, किस तरह हजरत ज़ैनब कुबरा ये लूटे हुए कारवां को लेकर चल रही और आखिर खत्म नहीं चुका नकल कर लो, तारीख से यही बात मुस्तफा इस्तेफादा होती है। नहीं, हजरत ज़ैनब फकत बीवियों और बच्चों को लेकर नहीं जा रहे बल्कि इमाम की हिफाजत कर रहे हैं। किस तरह हजरत सज्जाद की हिफाजत की, कभी शाम गरीबा हिफाजत की, कभी 11 मुहर्रम को हिफाजत की, शाम गरीबा को आप सुनते हैं ना, हाय 11 मुहर्रम को किस तरह हिफाजत की, हाय जब एक मरतबा बेकजावा नाकों पे जब इन असीरों को सवार किया गया, सुने अदादारों कितनी गुर्बतें आ गई, कितनी मजलूमियत है, अरे ये वाकया फकत खत्म नहीं हो गया, ये वाकया वहां खत्म नहीं हुआ, अरे हुसैन की गुर्बत, हुसैन की मुसीबत, खानदान हुसैन की मुसीबत, इन शोहदा की मुसीबत का दर्द फकत करबला में दफन नहीं हो गया बल्कि करबला से कूफा, कूफे से शाम, ये शोहदा हमेशा ज़ैनब और सज्जाद और बीवियों के साथ साथ थे। एक मरतबा जब 11 मुहर्रम को सैयद सज्जाद की निगाह अपने बाबा के सरकटे लाशे पर पड़ी, कैसा लाशा मक्तल ने बयान किया, मक्तल का जुमला सुनिए, उसके बाद हजरत
الذين ظلموا منهم قلبي ينقلبون بارے رہنا آنسو کو باعث شفقت کا نام فرما خدا مدد یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کے حال حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دیتے خدا مدد جو مومن مومنات پریشان حالی روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی بالخصوص وہ تمام مسلمان اور بالخصوص وہ تمام مومن و مومنات جو زندگی سیلاب کی وجہ سے زد میں آئے ہوئے ہیں خدا مندا ان تمام مومن و مومنات کو ان تمام مسلمانوں کو حاضر مجلس مومنات کل مومنوں کی تمام مشکلات کو دور فرما خدا مدد کی واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ حاضر مجلس مومنات منتظمین کے مرحومین حاضر مجلس مومنات کے مرحومین کل مرحوم مومنات کی مغفرت فرما جوارے معصومین میں جگہ عطا فرما جو مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں بالخصوص زیارت سید الشہداء خدا مدد بحق کے محمد و آل محمد تمام مومن مومنات کو اپنے گھر اہل بیت اطہار حرم کی زیارت اور بالخصوص زیارت مولا حسین نصیب فرما خدا مدد اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما ماتم حسین